महाराष्ट्र के नांदेड़ से कांग्रेस सांसद वसंत चव्हाण का निधन हो गया। उन्होंने 64 साल की उम्र में हैदराबाद के अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 1.5 साल से डायलिसिस पर थे। उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। 15 अगस्त को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें नांदेड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और तत्कालीन सांसद प्रताप राव चिखलीकर को हराया। अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने के बाद वसंत चव्हाण की जीत अहम मानी जा रही थी।